भाई मेरा आज कुछ बनाने कुछ ही कर रहा, तो यहाँ पर मेरे पास भाई काफी सारी माचिस है। मैं क्या सोच रहा हूँ इससे काफी मस्त सा तगड़ा सा सुतली बम बनाया जाए, बिल्कुल इस तरह। तो बनाया जाए अपना सुतली बम, तो चलिए फिर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक माचिस को ले लेता हूँ और इसके अंदर भाई आपने देखा होगा तिल्ली के आगे जो मसाला होता है ना उसको निकालते हैं फटाफट से, इस कटोरी में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और भाई मैंने मसाला तो भाई निकाल लिया माचिस से, बल्कि तीन तीन माचिस से निकाला है, तीन माचिस का यूज किया है जब इतना मसाला निकला और काफी मेहनत भी लगी है। तो भाई मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा पीस लेता हूँ बारीक, और काफी सावधानी से भाई मैं इसको पीस लेता हूँ पैन की मदद से। ठीक है, भाई मसाला तो मैंने अच्छी तरह से पीस दिया है, लेकिन इसको भरना भी तो पड़ेगा। एक छोटा सा डिब्बा तैयार कर लेते हैं, माचिस से करते हैं। ठीक है, तो भाई डिब्बा तो मैंने तैयार कर दिया, चलो इसके अंदर अब मसाला भर देते हैं फटाफट से। मेरे पास यार थोड़ा सा मसाला और बच रहा है, ये फुस्सी बम में से निकाला था मैंने, इसको भी मैं इसमें मिला देता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सारा मसाला हो जाएगा। ये लो जी मसाला भर गया इसमें, अब कर देते हैं इसको बंद और इस पर थोड़ी सी टेपिंग और कर देता हूँ। ठीक है, जिससे ये भाई काफ़ी मजबूत सा हो जाए। यहाँ पर मैं इसमें एक छोटा सा छेद और कर देता हूँ, बाद में मुझे फ्यूज लगाना होगा। ठीक है, तो हल्का सा छोटा छेद कर देते हैं। और रस्सी तो भाई मैंने पूरी अच्छी तरह से लपेट दी, काफी अच्छा लुक आ गया, जैसे होता ना सुतली बम बिल्कुल ऐसी आ गया। इसमें फ्यूज लगाना रह गया है, तो फ्यूज लगाते हैं इसमें इस तरह से, और यहाँ पर मैंने छेद यहाँ पर रखा था तो आराम से ये लग गया फ्यूज़। इस पर मैं थोड़ा सा फेविकोल डाल देता हूँ जिससे फ्यूज़ एकदम ठीक से चिपका रहे। फेविकोल लगा दिया, और यार एक और काम कर लेते हैं भाई, सुतली बम पे आपने देखा होगा एक स्ट्रिप से चिपकी होती है बीच में, तो मैं भी लगा देता हूँ भाई यहाँ पे, है ना, तो काफ़ी सुंदर दिखेगा जो हमारा ये है। ये लो जी, तो भाई हमारा जो सुतली बम है वो एकदम बन के तैयार हो गया, और इसका लुक देखो बिल्कुल लग रहा है सुतली बम की तरह ही, बिल्कुल एकदम डिक तो मैंने ऐसी बना दिया है। तो भाई इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं, फेविकोल लगाया मैंने और उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, और अब आ गई है भाई टेस्टिंग की बारी, हमारा जो सुतली है काफी बेताब हो रहा है फटने के लिए। चलो भाई फोड़ दें इसको, 3, 2, 1। तो भाई साहब क्या तगड़ा फटा यार, गाइस देखियो चितले उड़ गए भाई सुतली के। आप लोग यहाँ पे देखो कोई साबुत सुतली दिख ही नहीं पाएगी, मतलब इसके जो अंश हैं वो बिल्कुल खत्म ही हो गए। मैं वहां खड़ा था कोने में जाकर, मैं भी भाई डर गया, मगर ये क्या हुआ एकदम से। तो कैसा लगा आपको ये वाला सुतली बम, नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई आइडिया हो वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।